सरकार रहनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? भैया जाने राखो मत डरो हमारी हम बुढ़ापो खेत लाइंदे के बाद गैया सब खाई जाती लला। आपकी सरकार बनेगी बहन जी की, आपकी बार किसी माइलान सागर नहीं है, सरकार बनेगी बहन जी की आपकी बार। जनपद कन्नौज में त्रिभा विधानसभा में खड़नी ब्लॉक में लोगों से पूछेंगे कि किन मुद्दों पे उन्होंने मतदान किया और क्या उनके मुद्दे रहे हैं, आगे आने वाली 10 तारीख को वो क्या चाहते हैं, कमल खिलाना चाहते हैं या साइकिल चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, भाई साहब आपका नाम? सत्येंद्र कुमार सिंह, मैं खड़नी ग्राम सभा का प्रधान हूँ। अच्छा, प्रधान जी हैं, प्रधान जी से वोट दे चुके हैं आप? हाँ, वोट तो दे चुके हैं। किन मुद्दों पर वोट किया है आप? अब मुद्दे तो आजकल यही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, किसान परेशान है और युवा परेशान है, मुद्दे तो यही हैं जो चल रहे हैं मुद्दे, तो सबको पता है। मौजूदा जो सरकार है उससे आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं। क्यों, क्या वजह क्या है, क्यों नाखुश हैं? अब मैं यहाँ का ग्राम प्रधान हूँ, ठीक है, और प्रधान होने के नाते मैंने बहुत सी जन समस्याएँ यहाँ देखी हैं। लोग आते हैं बताते हैं कि खेतों में जो है, एक सबसे बड़ी किसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि खेतों में जो बैरिकेटिंग इन लोगों ने करी है, किसी पास 4-3 बीघा ज़मीन है, अब ये लोग सांडों से बहुत परेशान हैं। अब लोग आते हैं कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि, अब मैं आपको बताऊं कि क्षेत्र में जब घूमता हूं तो पता चलता है कि किसी घर में अगर 3 भाई हैं और उनकी जैसे तीनों की शादी होगी तो 3 धर्मपत्नी होगी उनकी। अब क्या है कि वो लोग जो है नौकरी बाहर कर रहे, कोई दिल्ली है, गुजरात है, बम्बई है, तो स्थिति ये है कि रात के 10 बजे तक एक बहू मतलब खेत अपना रखाती है, 10 के बाद जो है 3 बजे तक एक और सुबह 3 बजे तक एक, स्थिति ये है। ये कई जगह ये स्थिति है। अब हम लोग जाते हैं गांव में, पूछते हैं कि क्या हो गया भैया, तो कह रहे तबीयत खराब है। कि किस वजह से तबीयत खराब है, कि इतनी ठंड है, रात में जग रहे हैं, किस वजह से तबीयत खराब है? अच्छा, मौजूदा सरकार का कहना है कि हमने तो विकास की गंगा बहा दी, बहुत विकास किए हैं। पत्रकार महोदय, आपको भी ये पता है, आप जाते हो जनता के बीच में, आपको भी ये सारी चीज़ें पता है, जनता खुद बता रही है कि स्थिति क्या है इस समय। हम तो ना बड़े बूढ़े ज़्यादा जानते हैं, दद्दा हमारे पास बैठे हैं, चश्मा लगाए कि दद्दा का नाम है आपको? सूबेदार। सूबेदार, आपने तो बहुत चुनाव देखे हुए हैं। देखे लल्ला, हमारा नाम ही नहीं करो, बैठिए बात करने। दद्दा जा बताओ, तुम्हारा नाम, कुल चुनाव देखे ही हुए हैं आपने? अरे हमारे सामने कोई ना हते, जानी प्रधानी सबके है। अच्छा, हाँ कोई प्रधानी नहीं, किस नाम निशान नहीं। तो दद्दा वोट आप डारो नहीं डारो? नहीं लल्ला, नहीं करो ही नहीं, हमने सब जगह ढोरा ही डाली, हमारे वोट ही नहीं, मरैया लगे बताओ हमारे साहब वोट ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपको वोट नहीं, आप जा बतावो कि जो सरकार है मौजूदा सरकार इस समय थी, यही सरकार रहनी चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? भैया जाने राखो मत डरो हमारी, हम बुढ़ापो खेत लाइंदे के बाद गैया सब खाई जाती लला। बेटा हम 2-3 बीघा के कातिकार मरे धरे सब का करें, तार कभी नहीं देखे वे तार लगाता हूँ, लिया तो ली लगाए गैया। बेटा तो गायों से या जानवरों से आप परेशान है? तो सब आई आवा, हाँ लेकिन जब उजार न हो गैया को। अच्छा, गायों से या परेशान है, खेती नहीं कर पा रहे हैं? सही नहीं कर पा, बंजर डरी रात साहब, लखों बीघा जमीन हमारी डरी रात, समझी। आप लोगों को इनके दर्द और इनकी जुबान जो ये बोल रहे हैं वो इस समय बता रहे होंगे ये कितने तकलीफ में हैं, और इनकी तकलीफ जो अंदर से है वो बाहर आ रही है। एज भी बहुत ज़्यादा है, उम्र बहुत ज़्यादा है, और इन्होंने हम तो खैर अभी नए हैं, और इन्होंने पता नहीं कितने चुनाव देखे होंगे, हैं दादा? हाँ साहब, हमारे साथी संगी कोई नहीं है, ऐसा समझो पहले हमारे ये प्रधानी रानी नहीं हती। तो दादा अब जिम्मेदारी हती। अच्छा आप जा बताओ दादा, आप किन की सरकार चाहते हो? हम जा चाहत काऊ बनाए, लेकिन जो उजार न हो वैसे जा। चलो ठीक, दादा का यही कहना है। दूसरे बाबा जी हैं, उनसे भी मिलते हैं। बाबा आपका नाम? हमारा नाम किशन पाल है। वोट दे चुके हैं आप? हाँ वोट दे चुके। किन मुद्दों पे आपने वोट किया है, किन मुद्दों? अब वोट जायदा है तो परेशान तो है, जो तो जानता है आप। किस चीज़ से परेशान? हमें कहीं नहीं, सब परेशान, चौनों तो परेशान। अच्छा, सबका
चोर तार छोड़ ले यार। लेकिन योगी सरकार का तो ये कहना है कि चोर जो है ये क्राइम तो बिल्कुल खत्म हो गया, क्राइम बिल्कुल नहीं रहा। तो ना ही वो तो खत्म बे, तो वहीं बने रहे एकदम साहब ना ही बन रहे हैं। तो इस बार आप परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ भैया, तो बढ़िया है परिवर्तन। रुका, इस सरकार से खुश नहीं है? अब खुद ना खुद का अब कहा बताएं, अब कहा है खुद ठाड़े सबके चले ठाड़े। अब आप देखिए गोला किनारा है, अब ला ठाड़े चार दस बेगा को जुम्मन बारू ना। अच्छा, आपका नाम? सतीश कुमार। तो वोट दे चुके हैं आप? हाँ, वोट पड़ गया। किन मुद्दों में वोट दिया आपने? हमने वोट दिया है बेरोजगारी, शिक्षा, जो आज हमारी शिक्षा सबसे नील हो रही है। और माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि वो से स्कूल बंद करिए, उसमें कोरोना बढ़ रहा है। और मतलब जो है देसी के दारू के ठेके बैंक में 500 रुपए डाल दिए, जहाँ लाखों की भीड़ लगती है बैंकों में, उनके पास क्या कोरोना नहीं है? खाली स्कूल में ही कोरोना है। क्या नाम है आपका? बिमलन चतुर्वेदी और सुधीर चतुर्वेदी। तो वोट दे चुके हैं आप? जी। किन मुद्दों में वोट किया आपने? सर, हिंदू राष्ट्र के लिए। हिंदू राष्ट्र के लिए जी। मौजूदा सरकार चाहते हैं फिर से जी, परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, मौजूदा सरकार चाहते हैं। महावीर तक वोट दे चुके हैं? वोट दे चुके हैं। किन मुद्दों में वोट किया आपने? मुद्दों को या ये साढ़ तो घूम रहे है, बेउ दो साढ़ है। कौन? योगी और मोदी। अच्छा, वो तो सर, मतलब इस सरकार से आप नाखुश हैं जो बनी रही है? बनी रही बाने का देखो ही नहीं किसान के लिए। लेकिन सरकार का तो कहना है हमने विकास की गंगा बहा दी। विकास गंगा बहा दी, हम तो मरे जाते। क्यों, क्या वजह क्या रही है आपको ऐसा क्यों लगा? मैंने कपड़ा नहीं बनवाया, जो पहले बनवा लेते के सपा की सरकार भैया गठबंधन भैया, तब तक बनवाए ना कपड़ा पाई ऐसे समझो। तो आप क्या चाहते क्या हैं? आपकी सरकार बनेगी बहन जी की, आपकी बार किसी माइलान सागर नहीं है, सरकार बनेगी बहन जी की आपकी बार। अब यहाँ त्रिकोणीय जो देखा जा रहा है, साइकिल, कमल और हाथी, तो देखते हैं किसकी सरकार बनती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। और कुछ आप? हम तो भाई भाई हैं समझो, तीसरा बहुत दूर है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।